वेलकम बैक जी। एक दफा फिर हम वापस आ गए यहाँ पे सहेलियों के साथ गहमा गहमी, और देख रहे हैं मेरी सहेलियों के अंदर टैलेंट किस तरह कूट कूट के भरा हुआ है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी पूरी कि ये टैलेंट जो है ज़ाया ना हो और किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाए। इस वक्त हमारे साथ हैं लाइबा, जो कि नईमा शहजाद की बेटी हैं, और माशाल्लाह मास्टर्स कर रही हैं आप। ठीक है, मास्टर्स मैंने कंप्लीट हो गया है। किसमें, किस सब्जेक्ट? मास्टर्स मैंने किया एजुकेशन में। एजुकेशन में, वेरी गुड। तो क्या इरादा है आगे लाइबा? वो जैसे अम्मी ने बताया कि जो हालात थे जो भी था, लेकिन मैं पहले उन्होंने भी बात की कि जिस अल्लाह जो रास्ता हमारे लिए सोचता है, जब परेशानियाँ थी बहुत कुछ था, तो मैंने ये सोच लिया कि मतलब ज़हरा अब कुछ करने का टाइम है। ठीक है, जो होना था हो गया, उसी को ही सोचते रहें तो कुछ नहीं, जिंदगी आगे नहीं चल सकती। वेरी गुड। और पीछे जो छूट गया है वो वापस भी नहीं आ सकता। तो मैंने उन हालात में पहले मैंने सिंपल FA किया, और किस तरह से मैंने BA किया बगैर ट्यूशन, बगैर किसी की सपोर्ट। जस्ट मेरी एक फ्रेंड है बसीरत, में उसका नाम लेना चाहूँगी, उसने मेरी हेल्प की। सही। उसने मुझे, मैंने जिस तरह ओवरऑल सारी मेरी फ्रेंड्स ने दो दो साल लगा कर और कॉलेज से पास सही। किया, मैंने खुद घर में बुक्स ला कर और प्राइवेट पढ़ा। जबरदस्त। मार्च में मैंने बुक्स ली, मेरे ख्याल जुलाई में पेपर दिए, और मेरे और उनके मार्क्स सेम। अच्छा, वेरी नाइस। मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि मोस्टली कहते हैं ना कि BA में इंग्लिश में सब रह जाते हैं, लेकिन मैंने वो 6 बुक्स थी इंग्लिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। वैसे मैं भी रहते ही बच गई थी। बहुत नहीं, मैं अल्लाह के करम से बच गई, क्योंकि मुझे बहुत बहुत इंतहाई किसी चीज़ का अगर शौक है तो वो पढ़ने का। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कई दफ़ा आप जिंदगी में, जाहिर आपने कहा मुश्किल हालात और ये वो होता है, और कई दफ़ा आप जब अपनी माँ को देखते हो और उसकी स्ट्रगल को देखते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत हौसला देती है कि नहीं, मैं अपनी माँ के लिए या अपने घर के लिए और अपने घर वालों के लिए जो है वो करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, दैट्स द रीज़न की। वरना देखें, नॉर्मली हमारे यहाँ जो सोसाइटी है ना, वो ये कहे लड़कियाँ जी कुछ नहीं कर सकती, लड़की है इसने क्या करना है, मैट्रिक करो और शादी। लोगों को पता नहीं है लड़कियों ने क्या करना है सहेली के बाद, सहेली शो के बाद अब क्या होने वाला है। अब सोचना चाहिए कि हम जरा बच जाएं। बिल्कुल। मेरे अपने भाई ऐसे हैं, वो कहें MA कर लिया, क्या करना है, शादी करनी। ठीक है, मैं कहती हूँ शादी वो एक हमारे रसूल पाक की सुन्नत है, वो करनी है, लेकिन अब नहीं है तो उसका अल्टरनेट हमने ढूंढना है कि अपने आप को बिजी करना है। कि मैंने BA के फौरन बाद ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है, क्योंकि पंजाब जैसे ये मोस्टली इन यूनिवर्सिटी के क्लैशेस ने ना हम स्टूडेंट्स का हमें बहुत डिसार्ड करते हैं। आई कैन इमेजिन। मैंने BA जिस यूनिवर्सिटी से किया उसका पंजाब के साथ कोई क्लैश था। सही। नाम मैं नहीं ले रही, उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। मैं खैर मैं डिसाइड नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मकसद मेरा पढ़ना है। सही। मैंने कोई बैच नहीं लगाना कि पंजाब से किया है क्या ओपन से किया, मींस मैंने मास्टर्स की डिग्री ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल इनकी हिम्मत के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, और अल्लाह इसी तरह से आपको आगे लेकर चले और बहुत अच्छा फ्यूचर आपका बने इंशाल्लाह आने वाले। इनको हमेशा एक सबक दिया है कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज नहीं। ओह क्या बात है, आप तो इमरान खान लगी हैं। वो हम सबके फेवरेट हैं, हमारे पूरे घर के वो फेवरेट हैं। बस ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, पावर के साथ है ना, और मेरी पावर के साथ बोलते हैं इसलिए फेवरेट हैं। नहीं, वो डरते किसी से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मेरी बस एक ख्वाहिश है कि मैं किसी अच्छे से कॉलेज में जो है वो लेक्चरर बनना चाहती हूँ, बस यही मेरी वो एक आखिरी ख्वाहिश समझ ली कि ये है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं। आखिरी ख्वाहिश है 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के बाद एक नई ख्वाहिश होगी। चलो थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द लक, और इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा जी। ये हमारी सहेली, मैं नाम भूल गई आपका, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा जी। सुमेरा। सुमेरा कैसी हो? सुमेरा ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आप कहाँ से आए हो सुमेरा? मैं कोट अब्दुल मालिक से आई हूँ। देखें जरा ये सहेलियाँ मेरी, इनकी हिम्मत देखे, कोट अब्दुल मालिक दूर है काफी। हाँ जी, काफी दूर, काफी दूर है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अच्छा सुमेरा, क्या आज आप आए हो, क्या तोहफा दिया है आपने? क्योंकि तोहफा, मैं मटेरियल चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही, ये एक्चुअली बहुत खूबसूरत नज़में लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, इनकी किताब भी है, और ये हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी, और इन्होंने कुछ लिखा है हमारे शो के लिए, तो आइए सुनते हैं इनसे। ये पहले मैं आपको आपके शो के लिए जो लिखा है वो सुनाऊंगी। ठीक है। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता है, अल्लाह का नाम लेकर हर सुबह का आगाज करता है। बहुत अच्छे जी। सहेली कह दो दिल की, टेंशन दूर करे हर पल की। वाह जी वाह, क्या बात है। यहाँ एक खूबसूरत फर्ज की तकमील होती है, रोशन फर्द की तशकील होती है। वाह। जीने का हुनर सिखाया जाता है यहाँ,
हर रोज एक वादा वफा निभाया जाता है। बहुत अच्छे, ये तो हमारे सेगमेंट का नाम भी आ गया। जी, सहेली को बेहतर बनाने के लिए प्रोड्यूसर भी कोशा है अपना फर्ज निभाने के लिए। लो जी, सारा आपका भी नाम आ गया। जी जी सहेली, कह दो दिल की, कहाँ ऐसा शो करना किसी को आता है। इसका क्रेडिट तो रूज आसिफ को जाता है। मेरी जान, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। जी सहेली की पूरी टीम मेहनत से काम करती है, बेशक रोशन इस शो का नाम करती है। अपनी पहचान लेकर एक अहदो पैमान लेकर, ए प्लस का गेट खुलता है रोज एक अज्म नया लेकर। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सोच, जबरदस्त टैलेंट आया है ना बाहर, देखिए माशाल्लाह। और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है कि इससे छुपे हुए टैलेंट सामने आए हैं। बिल्कुल, वरना छोटे शहरों में टैलेंट छुपा ही रह जाता है, उनका टैलेंट देखने वाला कोई वहाँ होता ही नहीं, उनको सपोर्ट करने वाला नहीं, और आप इतना सपोर्ट कर रही हैं, छुपे हुए टैलेंट को सामने लेके आ रही हैं। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है और अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा तरक्की दे, इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं चाहिए। अच्छा, कुछ और भी और है ये जो? आपके नाम मैंने थोड़ा सा लिखा है, अरूज नाम है तेरा, अरूज पे रहे तू सदा, दिलकश लगती हो हमें, पुरकशिश है तेरी हर अदा, स्वीट, जिंदगी को हौसला मिला तुझसे, होना ना कभी हमसे जुदा, कभी नहीं होंगे, तेरी झोलियां सदा भरी रहे, इतना ता करे तुझे खुदा। थैंक यू, ये तो बहुत अच्छे, ये तो दुआ है, शायरी की सूरत में दुआ है, और आप लोगों की दुआएं जो है ना, बस उसकी फकीर हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपके आने का, और ये जो किताब है ये आप हमें देकर जरूर जाइएगा, आपके लिए बस ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी सहेली में कितना टैलेंट है, और मैं जरूर पढ़ूंगी इंशाल्लाह, और फिर आपको इस शो में जरूर बुलाएंगे। जी, ये सास जो ऑरेंज रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ियां पहन के बैठी हुई है, ये मेरी एक सहेली है शाजमा, पत्तों की से आई है जी मुझसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम शाजमा, कैसी हो? मैं ठीक। क्या कहोगी शाजमा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आई लाइक योर टॉकिंग स्टार सो मच। रियली? यस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं आज मेरा सपना पूरा हो गया आपसे मिलकर। सपना पूरा हो गया? वाह जी वाह। अच्छा, सपना क्या था कि शो पे आओ या मुझसे? सपना मेरा था कि मैं आपसे मिलूं। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। तो कैसा फील हो रहा है फिर? बहुत अच्छा फील, और मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी गाना आपकी तारीफ। अच्छा जी, गाना है जी जो कि शाजमा गाएंगी और मुझे डेडिकेट करेंगी। थैंक यू मेरी जान, इससे पहले कि आप मुझे डेडिकेट करें, मैं पहले ही थैंक्स बोल देती हूँ। अब गाना गाएं, खड़ो के गाना के बैठ के गाना? बैठ के गाना जी, बैठ के गाएंगे जी। सहेली तुम कह दो दिल की, जी सहेली तुम कह दो दिल की, रंग भी देखा रूप भी देखा, रंग भी देखा रूप भी देखा, रास्ता मंजिल साहिल महफिल कोई नहीं है ऐसा, तेरा साथ है जैसा, ओ तेरा प्यार है जैसा, जी सहेली तुम कह दो दिल की, जी सहेली कह दो दिल की। अच्छे जी, वाह वाह, एक लाइन हमारे लिए और दो लाइन गाने के लिए, मगर बहुत आला, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, और ये प्यारी सी जो बच्ची है ये आपकी बहन है, ठीक, क्या नाम है इसका? सुमन। इसका नाम है जी सुमन, और सुमन को जरा दें। सुमन, आप देखते हो शो हमारा? जी। पक्की बात है? जी। ठीक है, और कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके प्यारी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो पत्तों की भी काफी दूर है यहाँ से, कितनी देर का रास्ता? दो ढाई घंटे का रास्ता। देखिए सहेलियों की मोहब्बत और इनका प्यार, कि कितनी दूर से दो दो ढाई ढाई तीन तीन चार चार घंटे का सफर तय करके यहाँ पे स्पेशली मुझसे और आपसे मिलने के लिए आई हैं। ये मोहब्बतें, और ये मोहब्बतें खरीदी नहीं जा सकती कभी, ये जो होती है ये कमाई होती है, और ये हमेशा मुझे लगता है कि नेक नियति अगर हो तो शायद तभी मिलती है, और बस जिंदगी में कोशिश यही है कि अल्लाह की ज़ात नियत साफ रखे, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ है रुखसाना। रुखसाना, आपसे मेरी बात हुई कभी या आप वैसे पहली दफा आए हो? नहीं, पहली दफा आए हो। कैसा लग रहा है रुखसाना?
बहुत अच्छा लग अच्छा लग रहा है। अच्छा तो रुखसाना क्या कहना है, अपने दिल की क्या कहनी है बात जो कहने के लिए आए हो यहाँ पे? दिल की बात ये है कि दुआ करो हमारे हालात सही हो जाए, हमारे अच्छा। बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी जिंदगी अच्छी गुजर जाए। आपकी बेटी की शादी भी है? बेटी का रिश्ता नहीं अभी मिल रहा, रिश्ता नहीं है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ रुखसाना, कभी भी परेशान ना हुआ करो बेटियों के मामले में, क्योंकि वो रब जो बेटियां देता है वो बेटियों के नसीबे लिख के भेजता है और बहुत अच्छा करता है। परेशान ना हुआ करो, अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ो और अल्लाह की जात। अच्छा अल्लाह के ऊपर छोड़ के कोशिशें भी जारी रखनी है, परेशानी से कुछ नहीं होता। एक तो ये कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें और दूसरा कोशिश करते रहें अपनी तरफ से, और जो वक्त मुकर्रर होता है उसमें कुछ बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, ठीक है, पक्की बात है। और ये जो मुस्कुराहट है ना आपके, ये जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट कायम रखो, ठीक है, हमेशा। अच्छा ये सबसे बड़ी चीज है जो आपके पास है। जी आप क्या कह रही हैं? हमारे साथ हैं फरीदा, फहमीदा। ये जरा जरा सी बात में परेशान हो जाती है, मैं तो सारा दिन इसको समझाती हूँ कि मेरी तरफ देखो। तो फहमीदा मैं जरा तारुफ करवा दूँ, फहमीदा जो है ये रुखसाना की बड़ी अच्छी सहेली भी है और उनके हमसाए में भी रहती हैं, ठीक है। और मैं इसको अक्सर ये कहती रहती हूँ कि तुम अपना जो है जरा हौसले से रहा करो, जरा सा सी बात पे जहर मेहनत, बेटियां हैं तो क्यों नहीं समझ आती इनको आपकी इसकी बेटियां हैं तो अरूज इसके साथ इतनी मेहनत करती, सारा दिन वो वेपर बनाती हैं एक फैक्ट्री के उस पे लगाती हैं। अच्छा। और बहुत कम मुआवजे पे के वो 20 रुपए का सैकड़ा 15 रुपए का सैकड़ा बनाती हैं, और फिर ये क्लिपिंग करती है थानों की, जब वो 25 मीटर का एक होता है पीस, 50 मीटर का होता है 7 रुपए इसको मिलते हैं एक पीस के। अगर बेटियां हैं तो कर रही है ना, और इसकी बेटियां बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। एक जो दरमियान वाली बेटी है वो तो वो आलमा बन रही है, उसका आखिरी साल है माशाल्लाह, और बहुत इसकी औलाद नेक है और बहुत अच्छी है। और जो भाईजान है वो भी इसका बहुत ख्याल, भाईजान यानी आपके मियां साहब, जी जी, और ठीक है ना। तो चलो सर आप ये सोचो, कई इतने अमीर लोग होते हैं उनके बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं, उनके मियां उनकी कदर ही नहीं करते, कदर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि वो तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की करम है, वो बीमार हैं, उनको अंतड़ियों का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद वो बड़ी अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप सब बहनें इसके लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह जब इसकी बच्ची की शादी होगी तो हम जितना भी सब कर सकेंगे इंशाल्लाह हम अपने तौर पर करेंगे। बस इसको हौसला चाहिए, क्योंकि वो बच्ची को देख के ये भी रोने लगी थी, बहुत बचपन में इसकी माँ मर गई थी जब 2-3 अच्छा, साल की थी, सहेली माँ थी इसे था, बस इस वजह से इसका दिल बहुत छोटा है। सब बहनें इसके लिए दुआ करें, और हम लोग इसको बहुत ही प्यार करते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं तो हूँ ना यहाँ पे, मगर हम सब जो हैं एक दूसरे का सहारा है, ठीक है। आपने सुनी होगी कोई बात तो शायद आपको किस उस बच्ची की बात सुन के आपने आपको समझा हो कि ये उसके साथ भी ऐसा हुआ है। फरा ने कोई बात की, शायद आप महसूस कर रही हूँ उनके दुख को। हम सब जो बात कर रहे होते हैं हम तब तमाम इंसान हैं, और हम हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई महरूमी है, कोई ना कोई ऐसी कमी है, तो एक दूसरे की बातें सुन के हम कहते हैं हाँ इनके साथ भी ऐसा है, और हमें एक दूसरे से हौसला लेना है। सबसे बड़ी बात यही रिश्ता है हमारा, सबसे बड़ी बात ये कि इसके बच्चे बहुत साबिर हैं, सही, तो इतने साबर बच्चे कि मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और मुझे उन पर फख्र होता है। और मैं अक्सर इसको ये कहती हूँ कि देखो रोज में इतनी मेहनत, मैं देखो मैं रुखसाना अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ मगर मेरे बच्चे फरमा बरदार नहीं है, सही। तो उनको आते बिगड़ी हुई हैं, तो तुम देखो तुम अल्लाह का ये बस आप अपने बच्चों की बात कर रही, मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, वो मुझसे जिद करते, इसके बच्चों ने कभी इससे जिद नहीं की है, और अल्लाह का शुक्र बड़ी बात है, ये अल्लाह की इसके लिए नियमत है, किराए पे रहती है जो कुछ भी है। चलो मियाँ बहुत अच्छा है इसका, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मियाँ काम नहीं करते। देखे ना आपने अच्छाई नहीं ना बताई अपने मियाँ की, वो हमें फहमीदा अगर बताए है ना माशाल्लाह। अच्छा मैं बता दें कि इतने बेचारे भी होश होते हैं, बहुत आप भी करती हैं कि बस वही करते जा रहे हैं खाला साथ है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, देखो कितना वो उनके प्यारी सी मासूम बात से इधर आए हैं मेहनत करने के लिए, है ना, हमारा घर भी अफसाबाद से। चलिए यहाँ पे हमें इतनी मोहब्बत से उन्होंने कहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, खाला साथ भाई है, और मेरा ख्याल है कि अगर जिंदगी में आपको ये चीज मिल जाए कि जो जिस शख्स के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं अगर उसका साथ अच्छा हो, हम सफर अच्छा हो, तो जिंदगी के आधे मसले तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। बाकी चीजें पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये सारी चीजें हैं, इनसे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की अच्छी इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी, इंशाल्लाह यकीन रखे अल्लाह के ऊपर, जिंदगी गुजार ली है ना, जैसे भी गुजर गई बस बहुत अच्छी है। आप दुआ किया
करें कि जितने अच्छे आपके हस्बैंड हैं उतने अच्छे आगे से आपके बेटियों को हस्बैंड मिले, है ना? ठीक है, यहाँ पे जी रुकेंगे ब्रेक के लिए और हम जरा ब्रेक के अंदर मजीद जरा घरेलू गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और बाकी की जो सहेलियाँ उनसे भी आपको मिलवाऊंगी और बातें करेंगे ब्रेक के बाद।